Good morning, dear students. As you know that today we have to start a new chapter, collection of data. So here I just want to explain some basic concepts of collection of data. Here we talk about statistical inquiry. Statistical inquiry means an investigation on the topic by some agency. Some agency, it can be any person, any company, anything which collect the do the investigation or collect some quantitative data, quantitative information. Mind it, here we only talk about the quantitative, not qualitative. So some of the sources of the collection of data are internal sources as well as external sources. Internal sources means कि हमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी डेटा कलेक्ट करना है तो उसने क्या किया, अपने ही रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स में से कोई भी डेटा कलेक्ट कर लिया, दैट मीन्स अपनी ही कंपनी के अंदर से. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहर से हम डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार कलेक्ट किया गया हो, इसको फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं. कि अभी हम लोगों ने कलेक्ट किया है और फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया, इसको ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके नहीं रखा हुआ था किसी भी पर्पस के लिए, हमने कलेक्ट किया, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया. सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा इज द थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट कि वो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया था अपने काम के लिए, ऑलरेडी पब्लिश्ड था या अनपब्लिश था. ऑलरेडी जैसे सपोज किसी ने पब्लिश की हम बात करें, कोई न्यूज़पेपर या जर्नल्स में, या किसी ने पीएचडी किया है, अपना रिसर्च वर्क किया, उसने पब्लिश कराया, या कोई रिसर्च वर्क अभी कर रहा है, अधूरा है, उसने अनपब्लिश किया लेकिन उसने एक आर्टिकल बना दिया, तो ये सारी चीज़ें उसने कलेक्ट नहीं की थी, किसी और के लिए कलेक्ट नहीं की थी, अपने लिए कलेक्ट की थी. जब तक हम उसके पास छोड़ दें वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन जैसे ही उसको कोई और यूटिलाइज करता है वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है, सेकेंड हैंड डेटा हो जाता है. इसके एग्जाम्पल्स मैं और आपको समझा देती हूँ. फर्स्ट हैंड डेटा का एग्जाम्पल तुम कह सकते हो, से सपोज मैं तुम्हारी क्लास में आई एंड आई आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू जस्ट गिव मी द डिटेल्स ऑफ योर हाइट एंड वेट. नाउ सपोज आई एम द क्लास टीचर एंड आई हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ यू ऑल, हाइट एंड वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. तो दिस इज द फर्स्ट हैंड डेटा विच आई हैव कलेक्टेड. नाउ आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा एंड नाउ द पीटीआई सर केम टू मी एंड ही आस्क्ड दैट वेदर यू हैव टेकन द हाइट एंड वेट और नॉट. वी आई उनको किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ गई बच्चों के हाइट एंड वेट लेने की, तो उन्होंने जो है मुझसे मेरे रजिस्टर में से हाइट एंड वेट बच्चों का ले लिया. मैंने जो हाइट एंड वेट कलेक्ट किया था वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए किया था, पीटीआई के लिए नहीं किया था, लेकिन पीटीआई ने उस डेटा को यूज किया मेरे रजिस्टर में से. तो दिस इज सेकेंडरी डेटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्टेंड बट कलेक्टेड फ्रॉम अ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज. एंड फर्स्ट हैंड डेटा इज विच इज़ डायरेक्टली ऑब्टेंड, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू टिल हियर एंड वील गो फर्दर विद द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. सो हियर नाउ वील कम टू द कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं, नंबर वन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नंबर टू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, नंबर थ्री इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट्स, नंबर फोर टेलीफोनिक इंटरव्यूज, नंबर फाइव मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, एंड नंबर सिक्स क्वेश्चनेयर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स. सो इसको हम एक एक करके एक शॉर्ट में पढ़ते हैं, बाद में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर जो है जिससे डेटा कलेक्ट करना है डायरेक्टली उसके पास चला जाता है. जैसे सपोज अगर मुझे क्लास इलेवेंथ का कोई डेटा, क्लास इलेवेंथ के किसी स्टूडेंट का डेटा पता करना है, मैं डायरेक्टली उस स्टूडेंट के पास गई और उस स्टूडेंट से बोल दिया बेटा मुझे अपने फादर का नंबर दे दो, फादर का नेम दे दो, एड्रेस दे दो, डायरेक्टली उस बंदे से ले लिया. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट मीन्स आई अप्रोच द थर्ड पार्टी, मतलब मैं क्लास के उसके किसी फ्रेंड के पास चलेगी कि बेटा मुझे जो है वो अपने फ्रेंड का नंबर दे दो, मुझे उसके फादर का नंबर चाहिए या उसका एड्रेस है या कोई भी है, आपके किसी फ्रेंड से डेटा कलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया है तो किसी और से लिया, तो ये तो हमारा सेकेंडरी डेटा होना चाहिए. नहीं, ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया, ये जो फ़ोन नंबर मैंने कलेक्ट किया,
तो ये मैंने अपने पर्सनल काम के लिए कलेक्ट किया, अपने फर्स्ट टाइम के काम के लिए कलेक्ट किया। और उसने कोई मेरे लिए, उसने भी मेरे लिए ही कलेक्ट करके मुझे दिया। जिस पर्सन से मैंने पूछा उसने मेरे लिए कलेक्ट करके मुझे दिया। तो ये क्या है, इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस द थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी डेटा। थर्ड इज इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट। करेस्पॉन्डेंट का मतलब सपोज हमें यहाँ पे, अगर मैं रुड़की की बात करती हूँ, तो रुड़की में सपोज मुझे जो है आवास विकास का कोई डेटा लेना है, आवास विकास का अलग लेना है, गणेशपुर का अलग लेना है, सोलानीपुरम का अलग लेना, आदर्श नगर का अलग लेना है। तो अब इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए मैंने अलग अलग जगह के अलग अलग लोग अपॉइंट कर दिए, करेस्पॉन्डेंट्स, लोकल एजेंट्स बना दिए। कि आवास विकास का एक पर्सन अपॉइंट कर दे कि तुम यहाँ का डेटा मुझे दोगे, एक पर्सन गणेशपुर का अपॉइंट कर दे, एक सोलानीपुरम का, एक आदर्श नगर का। तो ऐसे हम लोग कलेक्ट करते हैं जब करेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू करते हैं। दिस इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट्स। देन इट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यूज, जब हम लोग टेलीफोन करके इंटरव्यू लेते हैं, ये तो नाम से ही समझ में आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास कंपनीज के कॉल आते हैं हमारी व्यूज़ लेने के लिए, हमसे कुछ जानने के लिए। तो हम लोग ऑल दो कंपनी के फ़ोन को हम लोग इग्नोर करते हैं, बट वो भी एक तरीका है कि कैसे वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि लोग हमारे, सपोज एक एयरटेल की अगर हम बात करें, एयरटेल कंपनी हमें फ़ोन करती है कि आप हमारे डेटा से खुश हैं कि नहीं है, या आइडिया वाले फ़ोन करते हैं, वोडाफोन वाले फ़ोन करते हैं। तो ये है डेटा इंटरव्यू, जो हम लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आ जाता है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड के अंदर हमारा क्या है, क्वेश्चनेयर, एक क्वेश्चनेयर बना दिया जाता है। क्वेश्चनेयर मीन्स एक तरह का एक फॉर्म बना दिया जाता है और लोगों को मेल कर दिया जाता है। और उस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा हमको चाहिए, जो भी हमारी इंक्वायरी है, उससे रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन जो है वो फॉर्म करते हैं। लाइक नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, विच नेटवर्क यू आर यूजिंग, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ नेटवर्क का। तो इसमें कोई भी, जो भी हमको डेटा कलेक्ट करना है, उस रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं और लोगों को मेल करते हैं। इसीलिए इसको बोल देते हैं मेल्ड क्वेश्चनेयर। यहाँ पे हमने मेल किया, इसमें भी मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत सारे रहते हैं। कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोग नहीं जवाब देते, कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स इन सबके हम आगे पढ़ेंगे। फिर लास्ट हमारा मेथड है क्वेश्चनेयर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर कौन होते हैं, एक तरह के हमारे आप कह सकते हो हमारे जो डेटा कलेक्ट करते हैं उनको एन्यूमरेटर बोला जाता है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाए। दे फॉर्म अ क्वेश्चनेयर, दे फॉर्म अ फॉर्म, एक फॉर्म बनाते हैं, क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं। एंड दे देमसेल्व्स गो पर्सनली टू पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वो खुद जाते हैं। एंड दे आस्क द क्वेश्चंस इन देयर ओन लैंग्वेजेस, दे कलेक्ट द आंसर्स एंड दे राइट दोज आंसर्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस। मतलब क्वेश्चनेयर को, क्वेश्चनेयर के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सामने वाले को समझाते हैं और एन्यूमरेटर अपनी लैंग्वेज में उसको, उनके रिप्लाईज को नोट डाउन करता चलता है। तो ये भी एक तरीका होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है, कितने मेथड्स हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे एक एक करके हम, वैसे तो मैंने समझा दिया, बट हाँ इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।